लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं और हम उनको जस्ट एज ए सेल्फी शेयरिंग ऐप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कुछ नई आइटम आई है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ फेस्टिवल सिटी आया हूँ जस्ट लाइट शो कैप्चर करने के लिए, कुछ नहीं करूँगा, ज़्यादा घूमने की यहाँ इजाज़त नहीं है और मास्क हटाने की इजाज़त नहीं है। दो दो बंदा मुझे कह चुका है यार कि इसको नाक के ऊपर रखना है। सो वेट करते हैं कि कब लाइट शो स्टार्ट होगा, कब लाइट शो स्टार्ट होगा और वो कैप्चर करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा ऑफ कोर्स। तो इंतज़ार करते हैं, आगे पीछे के नज़ारे करते हैं। ये शेखज़ाद की फ़ोटो है, इसमें आप जो मिशन है और विजन है वो सारा आप क्लियरली इस एक तस्वीर में देख सकते हैं। फेस्टिवल सिटी जगह छोटी सी है, मतलब इतना कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन बड़ी तसल्ली से, बड़ी सफाई से और एंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम यहाँ रखा गया है। मैं वैसे बहुत कम आता हूँ इधर, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो मैं तकरीबन इस जगह पे कुछ 4-5 साल बाद आ रहा हूँ, यानी कि बाहर जो जगह है जहाँ पे लाइट शो होता है और यही वो जगह है, लेकिन पता नहीं शायद मेरे आने की वजह से डिले कर रहे हैं। एक शिप खड़ी है, मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई खाने का सामान है, मतलब मैं जाऊँगा तो नहीं लेकिन बता रहा हूँ कि ये कोई, मुझे लगता है कोई टो क्रूज है। हाँ वही है। लेकिन सही दुल्हन बनी हुई है और जो अक्स पड़ रहा है पानी पे इसका, यार बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी बैक साइड पे क्या नाम था होटल का, मैं नाम भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था यार। और ये फेस्टिवल सिटी एरिया और ये टूटी फूटी कश्ती, चलती है, ऐसा मसला नहीं है। और ये यार मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता ये क्या है यार, ये मुझे इसका नाम मिल गया, कैनाल डाइनर क्रूज, और ये वही वाली है, कुछ और नहीं बता रहा मैं। तो मामला कुछ इस तरह से है कि दाढ़ी मैंने हटवा दी है, मतलब कुछ टाइम तक के लिए, क्योंकि थोड़ी एलर्जी हो गई थी। सो अभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन 10 दिन की बात है, वापस आ जाएगी। अभी जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस पर काफ़ी कमेंट्स आए कि दाढ़ी में अब अच्छे लग रहे हैं, बीड अच्छी लगती है, क्लीन शेव मामलात नहीं सही। सो मैंने सोचा यार कैमरे के आगे बैठने से बेहतर है बाहर निकला जाए। अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम है, लेकिन मास्क पहनना ज़रूरी है, मैंने अभी वैसे उतारा हुआ है, अभी कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला आ जाएगा, बोलेगा यार कि इसको ऊपर करो। बहरहाल मेरे ख्याल में जो लाइट शो है वो शुरू होने वाला है और चलते हैं उस तरफ। और ये मामलात शुरू हो गए।
ओके जी, इत्तेफाक से मुझे एक बोट नज़र आई है जो कि इतनी हाइट पे है कि मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा आपको अंदर से नज़ारा करा दूँ यार कि ये होती कैसे है, मतलब लगती कैसे है अंदर से। ये बड़ा निज़ाम बना यार इसका। तो ये चीज़, ये बैठने की जगह, और ये शायद टेबल नहीं है, ये इसके अंदर जाने का कोई रास्ता शायद। और भाई ये कॉकपिट चेक करो, ये चीज़, ये कंट्रोल रूम है जी कश्ती का। ये वो खूबसूरत सा ब्रिज है ब्लू कलर का, मतलब लाइट आपको नज़र आ रही है, उसमें ब्लू कलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जाता है शेख जायद रोड की तरफ, और शेख जायद रोड जाती है बुर्ज खलीफा की तरफ, जो कि वो कोने आपको नज़र आ रहा होगा इस तरफ, मतलब कोने में। हाँ जी, ये इंटर कॉन्टीनेंटल होटल है, और लोग मज़े से बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ लाइट लगी हैं और नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं, और नज़ारा कुछ ये है, वही वाला जो पहले मैं दिखा चुका हूँ। के अंदर की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सारे मॉल मुझे जैसे लगते हैं, सब में महंगे महंगे ब्रांड हैं जो कि आप ख़रीद नहीं सकते, और बस जी ललचाता रहता है आपका, और हर एक जैसे ही है। गर्मी है, ऐसा नहीं गर्मी नहीं है, पसीना मुझे आ रहा है। तो बाहर ज़्यादा अच्छा है, अंदर मॉल में कुछ कैमरा उठा के घूमने से बेहतर है कि बाहर आ जाए। जैसे कि मैंने कहा कि सारे ब्रांड्स मिलते हैं यार, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं, हमारी पहुंच से बाहर होते हैं जी। मैं यहाँ पे सारा घूम चुका हूँ, मतलब आगे पीछे के सराउंडिंग की जो शॉट्स हैं मैंने ले लिए आप लोगों से शेयर करने के लिए। बाकी कुछ ऐसा ख़ास था नहीं, लेकिन बहुत टाइम बाद बाहर निकल के व्लॉग बना रहा, मतलब प्लेसेस का अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब कमरे से हटके और ट्यूटोरियल्स बना बना के थोड़ा थक गया था मैं। सो एक अच्छी चेंज है, तो अब मैं चलता हूँ वापस, मिलते हैं एडिटिंग के बाद। ये रोबो कैफ़े है, मतलब यहाँ पे रोबोट्स आपको काफ़ी बना के देंगे, और अगर चीनी कम है तो कोई चांस नहीं है, लेकिन और लगा हुआ ये चेक करें। इतनी देर में पानी देगा, इतनी देर में प्यास खत्म हो जाएगी। और ये नाजरीन ऑर्डर जो है वो टेबल की तरफ जा रहे हैं, किसके चेक करोगे?
मेरे ख्याल में रास्ता भूल गया। नहीं ये लो भाई आ गई। अरे तो उसका नहीं नहीं आप खा लो देखें जी दुनिया कहाँ आ गई है।